दोस्तों मान लीजिए हमारे पास एक डेटा एंट्री का काम करना है, हमें एम्प्लॉय डिटेल्स बनानी है। अगर मान लीजिए हम इसमें एक एक कॉलम की एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। जैसे मान लीजिए हम नाम लिखते हैं, यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम है मोहन है, उनके पिताजी का नाम है सोहन है, माताजी का नाम गीता है, उनकी पोस्ट LDC है, एड्रेस उनका कुछ भी मान लो जयपुर मान लो, जो भी आप उचित समझे वो जो भी हो उसमें आप डाल सकते हैं। अगर हम ऐसे एक एक बारी बारी एंट्री करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। दोस्तों इसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, एक एंट्री फॉर्म बन जाएगा जो कि ज्यादा ज्यादा आप मानोगे नहीं, 2-3 सेकेंड में आपका एंट्री फॉर्म बन जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा आपको, सबसे पहले आपको इस हेडर से लेके जहां तक जितने कॉलम की एंट्री करनी है उन सबको सेलेक्ट करना होगा। ये सेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद कीबोर्ड से आपको अल्टर DO दबाना है, ये मैसेज आते ही आपको इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद ही आपका एंट्री फॉर्म बनकर तैयार हो गया है। यहाँ पर जैसे आप लिखोगे नेम में लिखोगे MOHAN मोहन, फादर्स नेम में SOHAN सोहन, और मदर्स नेम में जैसे गीता लिख दिया आपने, पोस्ट है LDC, एड्रेस है उनका जयपुर AC, और ये आप आगे टैब मारोगे एंटर मारोगे, ये देखिए आप फर्स्ट रो में उनका पूरा मोहन सोहन गीता LDC जयपुर सब कुछ आ चुका है। सेकंड रो में जैसे हम एंट्री करेंगे, मान लीजिए राम है, उनके पिताजी का नाम है राजीव, मान लीजिए कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर SOHANI सोनी, उनके माताजी का नाम है, पोस्ट UDC लिख दिया जैसे हमने, एड्रेस उनका कोटा लिख दिया, टैब मारा एंटर मारा, ये सेकंड रो में उनकी एंट्री हो गई। दोस्तों इस तरीके का फॉर्म करेक्ट करके बहुत ही आसानी से एक्सेल में एंट्री कर सकते हैं, जिससे आप लंबे समय तक बहुत ज्यादा एंट्रियां कर सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाएं, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे कि मेरे इसी तरह के यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।